दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है एप्लीकेशन बनवाने के लिए। आप जानते हो कि अगर इस टाइप का एप्लीकेशन बनाया जाए तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है कि आप वैसा एप्लीकेशन बनवा सको। लेकिन आप ये भी जानते हो कि अगर आप उस आइडिया पे वर्क नहीं करोगे या फिर वैसा एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी नहीं बनाओगे, तो आपको अच्छे से पता होगा कि दुनिया कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है और वो आइडिया कहीं ना कहीं किसी के माइंड में जरूर आ सकता है। और वो उस टाइम अगर उस आइडिया के बेस पे एप्लीकेशन बनवा ले तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि यार ये आइडिया बहुत बेस्ट है और ऐसा होना चाहिए या फिर मैं इस टाइप के एप्लीकेशन को बनवाऊं, लेकिन होता क्या है कि पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि मतलब आपके पास अभी पैसे नहीं है पर भविष्य में पास पैसे होंगे, तब आप ये सोचते हो कि मैं उस टाइम बनवाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप जब तक सोचते हो तब तक कोई दूसरा वो एप्लीकेशन उसी कैटेगरी का उसी आइडिया पे वर्क करके बना लेता है, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड को शेयर कर रहे हो या किसी डेवलपर को आप अपने आइडिया को शेयर कर रहे हो। ऐसा हो सकता है कि वो एप्लीकेशन मतलब उस डेवलपर से आपकी ना जमे और आप किसी अदर डेवलपर के पास गए, लेकिन तब तक इस डेवलपर ने उस आइडिया को चोरी कर लिया और इसने उस टाइप का एप्लीकेशन बना डाला। उसके बाद आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है नया आइडिया अगर मार्केट में आया जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों की, वो एप्लीकेशन बहुत जल्दी बूम करता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए और अपने एप्लीकेशन का पेटेंट कैसे कराना चाहिए, क्या एप्लीकेशन का पेटेंट कराया जाता है, क्या आप अपने आइडिया का पेटेंट करवा सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, होता ऐसा आप सभी को पता होगा कि भविष्य में आने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो गूगल ने अभी से पेटेंट करा रखे। एग्जांपल के तौर पे आने वाले टाइम पे हम लोग को गूगल लेंस मिलने वाला है, मतलब हालांकि बाहर ये लॉन्च भी हो चुका है, लेकिन ऐसा चश्मा जिस चश्मे से आप अगर बाइक चला रहे हो तो आपको गूगल मैप्स दिख सकेंगे, उस चश्मे के थ्रू आप कान के थ्रू यहाँ पे कनेक्टिविटी रहेगी, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, और यहाँ से ही उस चश्मे के थ्रू आप बात कर पाओगे। ठीक है, तो ये पेटेंट गूगल ने करा रखा, और ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसका पेटेंट गूगल ने पहले से करा रखा है। ठीक है, अब उस पेटेंट को कोई चोरी नहीं कर सकता, मतलब उस आइडिया को सैमसंग चोरी नहीं कर सकता, एप्पल चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो गूगल का पेटेंट है। ठीक है, वैसे ही पेटेंट का मतलब ये होता है कि अगर आज आपके पास कुछ नया आइडिया है जो मतलब कुछ नया इन्वेंशन बन सकता है आगे चल के, कुछ एक यूनिक आइडिया, तो वो आइडिया अभी आपके पास है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आगे चल के वो कोई चोरी करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वो आइडिया है ना यार, आइडिया सबके पास आता है, दिमाग सबका चलता रहता है। तो पेटेंट का मतलब ये होता है कि आप अगर अपने आइडिया का पेटेंट करवा ले रहे हैं तो आपके आइडिया को कोई चोरी नहीं कर सकता, आपके आइडिया के बेस पे कोई अपना एप्लीकेशन नहीं बना सकता। अगर वो बनाता है, यानी कि अगर वो आपके आइडिया को चोरी करता है और वैसा वो एप्लीकेशन भविष्य में बना भी लेता है, तो भी आप लीगल एक्शन ले सकते हो उसके ऊपर, साथ ही उसके एप्लीकेशन को टेक डाउन भी करा सकते हो, या फिर उसके एप्लीकेशन के जो अर्निंग रिसोर्सेस है उसकी अथॉरिटी आप ले सकते हो। तो बहुत ज्यादा फायदा है आपका जो पेटेंट है इसका, बहुत ज्यादा फायदा है, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। अगर आपने पेटेंट पहले करवा लिया है लेकिन उस टाइम आपके पास पैसे नहीं है और किसी दूसरे बंदे ने आपके पेटेंट जो आपका आइडिया है उस बेस पे एप्लीकेशन बना लिया, तो आप उसे डिमांड कर सकते हो मनी की, कि भाई ये तो मेरा आइडिया था, मैंने तो पहले से पेटेंट करा के रखा है, अगर आप इसको रन करना चाहते हो, इस मेरे आइडिया को इस बेस पे एप्लीकेशन बना के आप रन करना चाहते हो, तो आपको सम अमाउंट तो मुझे पे करना पड़ेगा। ये फायदा होता है दोस्तों पेटेंट का, और सभी इसको यूज करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं। चलिए बात करते हैं, क्या मोबाइल ऐप आइडिया पेटेंट कराया जा सकता है, पहले इसके ऊपर हम बात करते हैं। यस बिल्कुल दोस्तों, मोबाइल ऐप आइडिया को पेटेंट कराया जा सकता है, पर मैं आप सभी को बता दूं मोबाइल ऐप कोडिंग को पेटेंट नहीं कराया जा सकता। ऐसा होगा ना आपके मन में कि अच्छा हम कोडिंग करके रखते हैं और इस कोडिंग को पेटेंट करा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप मोबाइल ऐप आइडिया को पेटेंट करा सकते हो, लेकिन उसकी कैटेगरी को पेटेंट नहीं करा सकते, कि मतलब आपका मोबाइल ऐप एजुकेशन की कैटेगरी में आता है तो एजुकेशन को आप उस कैटेगरी को पेटेंट नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन हाँ आप उस मोबाइल ऐप आइडिया को बस पेटेंट करा सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि आपके मोबाइल ऐप को पेटेंट कराने के लिए आपका जो ऐप आइडिया है वो किस क्राइटेरिया का होना चाहिए, क्या कौन सी क्राइटेरिया में आना चाहिए। तो इसके कुछ 3 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपके दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है। तो सबसे पहला कि आपका जो एप्लीकेशन का आइडिया है, मतलब जो आपका एप्लीकेशन बनवाने का आइडिया है
वो कुछ नया इन्वेंशन होना चाहिए, एकदम नया, मतलब उस टाइप के एप्लीकेशन ऑलरेडी मार्केट में नहीं चलने होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो चलता हो एप्लीकेशन फिर उसी में से कुछ चेंजेस करके आपने आइडिया कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो नया इन्वेंशन होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जो आइडिया आपके एप्लीकेशन बनाने का आइडिया वो न्यू एंड यूनिक होना चाहिए। न्यू तो होना ही चाहिए, साथ में यूनिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी दूसरे एप्लीकेशन को देखा, जैसे फूड रेस्टोरेंट टाइप एप्लीकेशन, उसमें आपने एक आध दो फंक्शन ऐड कर लिए, आपने सोचा ये तो यूनिक है, तो वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपका एप्लीकेशन का आइडिया न्यू भी होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए वो। तो ये क्राइटेरिया भी आपके एप्लीकेशन का जो आपका आइडिया है उसको फॉलो करता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो मेजर मतलब क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो ऐप आइडिया है ये बहुत यूजफुल होना चाहिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि जो आप मतलब आपका ऐप आइडिया है वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका ऐप आइडिया है कि यार मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना लूंगा, मैं उसमें स्पॉन्सर्ड ऐड डालूंगा, गूगल के एड्स वगैरह डालूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपका जो एप्लीकेशन का आइडिया है वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता होना चाहिए, मतलब वो उनके लिए यूजफुल होना चाहिए, ये भी क्राइटेरिया मेन है, ठीक है। तो ये तीन क्राइटेरिया है जिसमें आप मतलब ये तीन क्राइटेरिया को अगर आपका एप्लीकेशन का आइडिया फॉलो करता है तब जाके आप अपने एप्लीकेशन को पेटेंट करा पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पेटेंट कराएं कैसे, पेटेंट कराने के लिए कौन सी वेबसाइट है, पेटेंट कराने के बाद क्या मतलब पेटेंट कराने के लिए चार्जेस देने पड़ते हैं, या फिर ये कहां कराया जाता है, क्या लोकली कराया जाता है या फिर इंटरनेट पे कराया जाता है। ये कुछ चार पांच सवाल है जो मैं इस वीडियो के पार्ट टू में लूंगा, अगर इस वीडियो पे दबा के लाइक और कमेंट्स आए तो। प्लीज प्लीज अगर आपको सच में इसका पार्ट टू चाहिए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसके वीडियो पार्ट टू में।